नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स नॉलेज। तो गाइस, 3 दिन से तबीयत बहुत ही खराब है, इसलिए वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया, तो सॉरी और माफ कर देना। तो गाइस, यहां पर वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए 26 मार्च को जो इंडिया के साथ कतार का मैच होने वाला है भुवनेश्वर में, इस मैच से पहले इगोर स्टीमच ने 18 दिन का नेशनल कैंप के लिए टोटल 43 प्लेयर्स को शामिल किया है। यहाँ इंडिया के लिए सबसे बड़ा गुड न्यूज ये है कि जेजे लालपेकलुआ और संदेश जिंगन इंजुरी से उबर कर फिट हो चुका है और नेशनल कैंप के लिए भी इगोर स्टीमच ने इन दोनों को बुलाया है। और इसके अलावा कुछ नए नए खिलाड़ी जो ISL सीजन 6 में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उनको भी यहाँ पर इगोर स्टीमच ने सिलेक्ट कर लिया है, जैसे कि प्रवीण दास, सेरिटोन फर्नांडेज और जेरी मामिंग थंगा। इन तीनों को तो पहले से ही इंडियन टीम के अंदर होना चाहिए था, तो इनको भी फाइनली इगोर स्टीमच ने कॉल अप कर लिया है। इसके अलावा एडविन भोंसपाल ने जो चेन्नई NFC के लिए किया है, माइकल ससाइडच और सुमित राठी ने जो ATK के लिए किया है, शुभम सारंगी और जैक्सन सिंह जैसे खिलाड़ी जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, उनको भी यहां पर इगोर स्टीमच ने नेशनल कैंप के लिए सिलेक्ट किया है। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC की तरफ से लालिंग माविया और शुभाशीष रॉय चौधरी ने जिस तरीके का अमेजिंग परफॉर्मेंस किया है, उनको भी यहाँ पर इगोर स्टीमच ने नेशनल कैंप के लिए सिलेक्ट कर लिया है। तो टोटल 43 प्लेयर्स को इगोर स्टीमच ने नेशनल कैंप के लिए सिलेक्ट किया है, जहां पर 23 खिलाड़ी 9 मार्च को नेशनल कैंप ज्वाइन करेगा और बाकी 20 खिलाड़ी ISL खत्म होने के बाद 16 मार्च को नेशनल कैंप में शामिल होगा। तो चलिए आप देख लेते हैं कि इन 43 प्लेयर्स का लिस्ट में कौन कौन शामिल है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उन 23 खिलाड़ियों का लिस्ट जो पहले बैच के अंदर 9 मार्च को नेशनल कैंप ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पर पहले बैच के अंदर गोलकीपर्स के लिस्ट में शामिल है अमरिंदर सिंह, शुभाशीष रॉय चौधरी और रफीक अली सरदार। उसके बाद डिफेंडर्स का लिस्ट में शामिल है प्रतीक चौधरी, शुभम सारंगी, शुभाशीष बोस, नरेंद्र गहलोत, आदिल खान और जो सबसे बड़ा नाम है वो है भाई संदेश जिंगन। उसके बाद मिडफील्डर्स के लिस्ट में शामिल है रॉलिन बोर्जेस, अमरजीत कियाम, जैक्सन सिंह, नंदकुमार शेखर, लालिंग माविया, विनीत राय, रेनियर फर्नांडेज, निखिल पुजारी, जेरी मामिंग थांगा, हलीचरण नारजारी और साहल अब्दुल समाद। उसके बाद फॉरवर्ड्स यानी कि स्ट्राइकर्स के लिस्ट में शामिल है फारूक चौधरी, लिस्टन कोलासो और जे लाल पेकलुआ, जो काफी टाइम इंजुरी के बाद इंडियन टीम में वापसी करने वाले हैं। तो भाई, ये सारे खिलाड़ी नेशनल कैंप ज्वाइन करेगा 9 मार्च को पहले बैच के अंदर। उसके बाद बाकी का 20 खिलाड़ियों के बारे में अगर बात की जाए जो ISL खत्म होने के बाद 16 मार्च को नेशनल कैंप ज्वाइन करेगा, तो यहाँ पर इन 20 खिलाड़ियों का लिस्ट में गोलकीपर्स के तौर पर शामिल है गुरप्रीत सिंह संधू, विशाल कायत और प्रोपसुखन गिल। उसके बाद डिफेंडर्स के लिस्ट में शामिल है प्रवीण दास, राहुल बेके, प्रीतम कोटाल, निशु कुमार, सुमित राठी, सेरिटोन फर्नांडेज और मंदर राव देसाई। उसके बाद मिडफील्डर्स के लिस्ट में शामिल है एडविन सिडनी वॉन्सपाल, ब्रैंडन फर्नांडेज, अनिरुद्ध थापा, उदंता सिंह, आशिक कुरुनियन, लालिन जुआला छांगते और जैकीचान सिंह। वही फॉरवर्ड्स के लिस्ट में शामिल है सुनील छेत्री, मनवीर सिंह और माइकल सुसाइराज। तो ये 20 खिलाड़ी ISL खत्म होने के बाद 16 मार्च को नेशनल कैंप के अंदर ज्वाइन करेगा। तो भाई, ये थे उन 43 प्लेयर्स का लिस्ट जिसे इगोर स्टीमच ने कतर मैच से पहले नेशनल कैंप के लिए बुलाया है। और याद रखें कि इनमें से सिर्फ 23 खिलाड़ी ही सिलेक्ट होगा मेन स्क्वाड के अंदर। तो अब देखते हैं कि नेशनल कैंप के बाद इगोर स्टीमच किस किस को सिलेक्ट करते हैं। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो फिर मिलेंगे अगले एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।